वी द पीपल, हम भारत के लोग की लगातार वर्चुअल मीटिंग जूम पर या गूगल पे चल रही है। उसी मीटिंग के दौरान में एक पंजाब के साथी हैं कुलविंदर बौद्ध, बड़े युवा साथी हैं, बड़े दमदार हैं, बहुत बढ़िया उनकी सोच है, सीधे सच्चे, जैसे पंजाब के हरियाणा के लोग होते हैं, बुद्ध वाले पंचशील वाले लोग वैसे हैं। बात बात हो रही थी उनसे, चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर एक बात चलती है कि जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं, उन्होंने एक श्राप दिया था कि ये जो चमार जाति है ये कभी इकट्ठी नहीं हो सकती, ये उनका श्राप है। ऐसा शब्द सुनकर, क्योंकि वो कुलविंदर बौद्ध हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म का जानकारी थोड़ी रखते हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने उनसे दोबारा कंफर्म किया कि आप जो कह रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि संत शिरोमणि रविदास जी जो गुरु जी हैं, उन्होंने कोई ऐसा वचन या आशीर्वाद दिया है या श्राप दिया है कि चमार जाति के लोग कभी इकट्ठे नहीं हो सकते? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात यहाँ खूब प्रचलित होती है, चलती है, बच्चे बच्चे को बताई जाती है। तो मैंने उनसे ये कहा कि क्या ये संत शिरोमणि रविदास गुरु जी ने कहीं लिखी है या कही है? वो बता नहीं पाए। मैंने उनसे कहा कि देखो, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है गुरु जी के बारे में, मगर संतों के बारे में मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ। संत शिरोमणि रविदास जी संतों के संत रहे हैं, उनकी बात तो छोड़िए। अगर कोई बहुत छोटा भी संत है और पूरी दुनिया में कहीं भी है, कहीं का भी संत है, चाहे वो अंग्रेज संत है, चाहे वो जर्मनी का संत है, चाहे अमेरिका का संत है, चाहे अफ्रीका का संत है, चाहे वो किसी ईरान का या इराक का संत है, या अफगानिस्तान का संत है, या बिहार का संत है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का संत है, चाहे दिल्ली का संत है, कहीं का भी है, चाहे कंबोडिया का है, चाहे जापान का है, संत जो होगा वो कभी किसी को जिंदगी में शराब की बात तो बहुत छोड़िए, गाली, मतलब गाली भी छोड़िए, मन में किसी के लिए कोई बुराई लेके आ ही नहीं सकता। ये संत की पहचान है। यानी संत की तो बात छोड़िए, जो सीधे सच्चे लोग होते हैं वो भी किसी के प्रति अपने मन में कोई बुराई रखते नहीं है। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी किसी को श्राप दे दें और वो भी सारे लोगों को, मतलब उनका मन इतना कड़वा है, या वो इतने ज़्यादा व्यथित हैं, या उन्हें इतना गुस्सा आ गया, या वो इतने ज़्यादा कड़वे हैं, घृणा भरी हुई है, कोई सोच सकता है क्या? ये तो एक छोटी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि संतों के संत सबको प्यार करते हैं, हमेशा अच्छी बात बताते हैं, वो क्यों उन लोगों को कहेंगे कि आप कभी इकट्ठे नहीं हो सकते? ये बात संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो दुश्मन होंगे, जो उनकी प्यार की वाणी से परेशान होंगे और जो उनके लोगों के इकट्ठे होने से परेशान होंगे, जिनको ये लगता होगा भविष्य में कि ये लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम पे राज करेंगे, या ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, या हम पीछे रह जाएंगे, जिनको इकट्ठे होने से डर है, जो नहीं चाहते कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं, या उनकी सोच आगे बढ़ जाए, या उनका फायदा हो जाए, उन लोगों ने ये बात को प्रचारित किया होगा। क्योंकि लोग माने, इसलिए उन्होंने गुरु जी का नाम इसमें जोड़ दिया है, संत शिरोमणि रविदास जी का नाम जोड़ दिया। सारे गुरुओं की वाणी को करप्ट किया जाता है, खराब किया जाता है, मिक्सर किया जाता है। सारे जितने भी संत हैं वो कहते कुछ और हैं, और जब तक वो लिख के आता है तब तक बात बदल जाती है, लिखने वाला बदल देता है और वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, छापने वाला उसको फिर बदल देता है, कहने वाला जो मुँह से कहता है वो कुछ और बदल देता है। हम प्रमाण तो मांगते नहीं, और प्रमाण इसका होगा भी नहीं, संदर्भ होगा भी नहीं, क्योंकि संत जी जो बात कहते हैं उसको संगत सुनती है और संगत होती नहीं। तो लोग अपने मतलब से समय के अनुसार उसमें कुछ उल्टा सीधा डालकर बात को, संत की बात को बदल देते हैं और कहते हैं है ये संत के नाम से। दुनिया में जितने भी संत हैं उनकी सबकी वाणी को कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा करके, मिक्स करके व्यापारी लोगों ने, चतुर लोगों ने, ऐसे लोगों ने जो शैतान लोग हैं, उन्होंने मिला के खराब किया है। भगवान बुद्ध की वाणी को भी खराब किया गया है, मगर
भगवान बुद्ध सम्यक संबोधि थे, वो इस बात को जानते थे कि बाद में बदमाशी होगी और लोग इसमें मिक्सिंग करेंगे, मेरी बात को तोड़ मड़ो के अपने हिसाब से कहेंगे। तो उन्होंने एक सूत्र दिया जिसको कलाम सूत्र बोलते हैं। सूत्र का मतलब एक बात कही, कलाम जो लोग थे, कलाम के लोगों से एक बात की। कलाम के लोगों ने ये पूछा कि यहाँ तरह तरह के बताने वाले लोग आते हैं, संत आते हैं, साधु आते हैं, बुद्ध से बात चल रही है, तो हम किसकी बात माने, किसकी ना माने। यानी जो कलाम के लोग थे, कलाम के लोग ये कह रहे हैं कि हमें बताने के लिए तरह तरह के मत के, तरह तरह के पंथ के लोग यहाँ आते हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, सबकी बात अच्छी लगती है, कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात सत्य है, हम कैसे पहचाने। ये बुद्ध से प्रश्न किया उन्होंने। तो बुद्ध ने उनको पहचानने का तरीका बताया कि जो बात आपके लिए ठीक है, आपके परिवार के लिए ठीक है, आपके दोस्तों के लिए ठीक है, आपके गांव के लिए ठीक है, लाभकारी है, आपके शहर और कस्बे के लिए पूरी लाभकारी है, आपके जिले के लिए लाभकारी है, सभी लोगों के लिए, आपके प्रांत यानी स्टेट के लिए लाभकारी है, आपके देश के लिए लाभकारी है, और अगर पूरी दुनिया के सभी मनुष्य के लिए वो बात कल्याणकारी है, लाभकारी है, तो वो बात बिल्कुल ठीक है, उसे मानने में कोई बुराई नहीं है, कोई एतराज नहीं है, वो बिल्कुल 100% सर्टिफाइड है। और अगर इनमें से किसी के लिए भी वो कल्याणकारी नहीं है, नुकसानदायक है, खराब है, तो वो बात फिर कम से कम बुद्ध ने कहा मेरी तो नहीं है, क्योंकि बुद्ध की सारी बात यूनिवर्सल बात रही है, पूरी दुनिया के लिए नहीं। तो संत जितनी बात भी कहते हैं वो सबके कल्याण के लिए होती है, संत कभी किसी के नुकसान की कोई बात नहीं कहते। इसलिए अगर किसी को ऐसा लगता है कि श्राप दिया हुआ है, सिंह दिया हुआ है, या कोई ऐसा कहा गया है, तो वो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दें, ताकि उनके दिमाग से बात निकल जाए कि संत कभी श्राप नहीं देते। धन्यवाद। Kamesu Michacharavirmani Sikkhapadam Smadhyami.